हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिकल का 2016 का पेपर बहुत ही ईजी था और IISc बेंगलोर ने पेपर डिजाइन किया था। तो कई बार क्या होता है ना कि गाइस की कौन IIT कंडक्ट कर रहा है उसको लेके पहले से हाइप बहुत बनाया जाता है कि IISc कर रहा है या दिल्ली कर रहा है तो बहुत टफ होगा, उसके पिछले रिकॉर्ड में ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट एग्जामिनेशन हमेशा आपको थोड़ा बहुत 10-20% सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहेंगे और आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि आप कितना भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन लगा लो या फिर कितना भी टेस्ट सीरीज दे लो, एक्चुअल एग्जाम इज एक्चुअल एग्जाम। तो टेस्ट सीरीज देते टाइम पे भी सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि भाई अपने को वहां से गलतियां निकालनी अपनी है ना। टेस्ट में ये नहीं होगा कि भाई वो जो रैंक आ गया, सपोज करो टॉप 10 में रैंक आ रहा था, आप फुले नहीं समा रहे हो, सब दोस्तों को बोल रहे हो यार मेरा तो 10 रैंक आ रहा, रैंक आ ही जाएगा, पता चले एक्चुअल पेपर में क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे है ना। तो और किसी स्टूडेंट का अगर कुछ आ ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा है, तो वरी मत हो क्यों नहीं आ रहा है, पहले वो चेक करें कहाँ गलती हो रही है और बस रिवाइज करें। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ एक आईना है, जैसे हम आईने में जाके अपनी खूबसूरती को निहारते हैं, बाल बाल जमाते हैं, कपड़े वपड़े देखते हैं कि कैसा क्या लग रहे हैं। सिमिलरली ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके बौद्धिक आईना है, आपके दिमाग में कौन से कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं जिनको आप गलत तरीके से लगा रहे हैं या गलत तरीके से आपने लर्न किया है या फिर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो आपको आपके दिमाग की औकात बता रहा है असल में टेस्ट सीरीज कि आप कितने पानी में हैं है ना। तो वो उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसमें जो जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को देखिए, निकालिए और उस पर काम करिए। कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, उसको 2-3 घंटे लेके बैठेंगे इजी लगने लगेगा, ठीक है। बस मेहनत की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज की तारीख में भाई डिस्ट्रक्शन के साधन बहुत है। थोड़ी देर पढ़ने बैठे कोई दोस्त का फोन आ जाएगा, थोड़ी देर पढ़ने बैठे फिर मैसेज आ जाएगा, फिर इंस्टाग्राम चलाना है, फिर व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है और भी कोई ढेरों सारी एप्लीकेशन जो मुझे याद भी नहीं है। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। अपनी ज़िंदगी में 2-3 साल अगर चेयर टेबल पे आपने निकाल दिए ना बहुत ठीक ठाक डिसिप्लिन से, आप जिंदगी में बहुत अच्छा अचीव कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस आर आइडियल, द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट, है ना। यहां पर वोल्टेज आपसे पूछा है। इस तरह के ना जाने कितने हमने क्वेश्चंस फुल कोर्स में करे होंगे। इसको करने के मैं 2 तरीके बता देता हूं, ठीक है। तो रुस्तम भाई साहब बोले कि सर मेरा तो लोकप्रिय है नोडल और मुझे पता है वी आउट यहां पे है, तो यही वोल्टेज यहां पे वी आउट का काम करेगा। वी नॉट से डिनोट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट माइनस 10/2 प्लस, इधर क्या है 0 एम्पेयर है क्योंकि कोई भी ओपन सर्क्यूट है पूरा का पूरा, है ना। प्लस प्लस क्या करें, एक ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये हो गया आपका इनकमिंग 5, ठीक है। तो 5 × 10 और 10 × 20 है ना, 10 × 10 + 10 = 20 इज द करेक्ट आंसर। अब किसी की मर्जी है रंगीला की कि नहीं सर ऐसा नहीं करना, हम रुस्तम से एग्री नहीं, हम तो थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे। बिल्कुल दूसरे तरीके से कर लो, क्या करोगे, तरीका अपनाओगे। यहाँ पे सर 0 एम्पेयर है, हमें पता है ओपन सर्किट आपने सिखाया था, तो ये 5 एम्पेयर का करंट पूरा का पूरा इधर चले जाएगा। हाँ ठीक है चले जाएगा, तो प्लस और माइनस, और मैं अब यहाँ पर KVL घूम जाता हूँ, यहाँ पे KVL घूम जाता हूँ, फिर मैं उसे बताऊंगा यहाँ पे KVL नहीं घूमना क्योंकि इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं पता है, है ना। अब आप बोलोगे सर पता तो है, यही वोल्टेज यहां पे लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, तो KVL यहां घूमते हैं ना, ऐसे घूम जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 10, है ना, ऐसे चल रहे हम लोग। बाद वाला साइन क्या है 2 × 5 और बाद वाला साइन क्या है V0 = 0, 5 × 10 = 10 × 20, ठीक है। तो 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जैसी जिसकी मर्जी वैसा आंसर कर दो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का इस ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना कि जो ओपन सर्क्यूट रहता है इस पर फोकस नहीं होता है, हमें वोल्टेज हम यहाँ पे करंट ढूंढते रहते हैं, नहीं वहां करंट क्या है 0 है। ये वाली चीज शुरुआत में जब नेटवर्क सीखते ना पता ही नहीं चलती है कि अच्छा, बार बार हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेते हैं, पेन अटक जाता है यार कहाँ से करें कहाँ से शुरू करें। ये नेटवर्क में शुरू बहुत होगा, शुरुआत में जब नेटवर्क सीखते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता यार, ये फैकल्टी कैसे कर लेता है, हमसे तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, हम तो क्वेश्चन देख रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा ये कर देते हैं वो कर देते हैं, 3 स्टेप तो मन ही मन चल रही पेन उठाने से पहले, वो कितना मन में करेंगे, थोड़ा एकाध स्टेप कर लेते हैं। तो शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आप रॉन्ग स्टार्ट करोगे या स्टार्ट नहीं कर पाओगे, 2 स्टेप के बाद फिर नहीं सोच पाओगे,
तो शुरुआत में धीरे 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 जब प्रैक्टिस होगी बहुत आसान लगने लगेगा। ये कार ड्राइविंग जैसा है, शुरुआत में जब हो ना कोई भी कार ड्राइव या टू व्हीलर हम जब नया नया सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, तो कई बार दूसरों लोगों को देखते हैं यार इतने ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है, क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं इतने ट्रैफिक में चला पाऊंगा? तो बिल्कुल आएगा, प्रैक्टिस करोगे। और जब उनसे पूछेंगे ना जो खुद चला रहे हैं, ट्रैफिक में जाके उनके पास जाके पूछोगे आप कैसे चला लेते हैं, अरे चल जाता है, बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है उनके लिए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई है। तो ऐसा ही है, जो चीज़ आज हमें बहुत बड़ा चीज़ लग रहा है, बहुत बड़ा सपना लग रहा है, अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो वो एक दिन वो सपना हम जिएंगे, और हम उस सपने को देखने वाले लोगों को हम बोलेंगे तो बहुत ईजी सी चीज़ है, जल्दी आ जाओ, आप भी मेहनत करोगे, आप भी इस सपने को पालोगे। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मेहनत करते रहना है, कंटिन्यूशन में मेहनत करोगे तो एक दिन अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसके पहले बता देता हूँ फुल कोर्स है हमारे पास 299 में ही अवेलेबल है ना, कितनी बार प्रचार करूँ बट करना पड़ता है ना, मार्केटिंग का जमाना है, 299 में अवेलेबल है फुल कोर्स, 450 लेक्चर्स अवेलेबल है, क्रेश कोर्स है, PDF नोट्स है, चैट बॉक्स पर आप अपना कोई भी डाउट पोस्ट करके पूछ सकते हो मुझसे, डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे, गेट PYQ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो बताने का तरीका है ना ये लास्ट में ही रखा है ताकि क्वेश्चन के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्वेश्चन पूरा करो, जिसकी श्रद्धा भक्ति वो हो परचेस नहीं किया हो कर लेना, है ना, जिसने नहीं किया हो कर लेना, और जिसने कर लिया वो मत देखना, आगे बढ़ा देना, है ना वीडियो को। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।